आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी की बड़ी खबर निकल कर आई है यूपी पंचायत चुनाव से। आपको बता दें यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 26 मार्च को होगी सुनवाई। इस वीडियो में हम कई सारे बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, जैसे कैविएट अर्जी क्या है, 26 मार्च को होने वाले आरक्षण के फैसले में कौन सा नियम लागू होगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको मिल सके पूरी जानकारी। और रोजाना पंचायत चुनाव की ताजा खबर जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जान लेते हैं क्या है आज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 मार्च को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। राज्य सरकार ने भी दायर की कैविएट याचिका, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। यानी अब पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह का आदेश पारित करने से पहले यूपी सरकार का पक्ष सुनना होगा। दरअसल बीते शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 को आदर्श वर्ष मानकर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था। वास्तव में इस फैसले को लेकर कुछ लोग खुश हैं तो और कुछ लोग बेहद दुखी हैं। इस व्यवस्था से कई ग्राम पंचायत समीकरण बदल गए। दिलीप कुमार नामक शख्स के द्वारा दायर उस याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट में उनका पक्ष नहीं सुना गया। आपको बता दें क्या होती है कैविएट अर्जी। कैविएट एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है सतर्क। ये एक सूचना है जो एक पक्ष के द्वारा कोर्ट में दी जाती है। इसके तहत ये कहा जाता है कि अदालत वादी को बिना नोटिस भेजे विपक्षी पार्टी को कोई भी राहत ना दे और ना ही कोई कार्रवाई करे। यह एक तरह की बचाव का होता है जो एक पक्ष द्वारा लिया जाता है। सिविल प्रोसीजर के कोड 148A के अंतर्गत कैविएट अर्जी दाखिल की जाती है। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी पर सुनवाई कब होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि याचिका पर सुनवाई का कोई समय तय नहीं हो सका है। बताया गया सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की दाखिल की गई है, उसमें कुछ कमियां नियम के अनुसार अर्जी की कमियों को दूर करने के बाद ही उसे सुनवाई के लिए भेजा जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट से उस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गई है जिसमें हाईकोर्ट के 2015 को आधार मानकर यूपी में पंचायत चुनाव में आरक्षण देने का आदेश दिया था। साथ ही 25 मई तक पंचायत चुनाव को कराने को कहा गया। अर्जी में कही गई है ये बात। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि उनके पक्ष को हाईकोर्ट में नहीं सुना गया, ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले पर विचार किया जाए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नई व्यवस्था से सारे ग्राम पंचायत के समीकरण में बदलाव हो गया। आगे आपको बताते चले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था ये आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वर्ष 2015 को आदर्श वर्ष मानकर आरक्षण तय करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने नई आरक्षण प्रक्रिया को खारिज करने के साथ ही जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 25 मई तक संपन्न कराने के भी आदेश दिए थे। उम्मीद करते हैं दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और रोजाना पंचायत चुनाव की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।